इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस द्वारा एक बुजुर्ग का मोबाइल लूटे जाने के बाद लूटे हुए मोबाइल से जुड़े सिंडिकेट का खुलासा किया गया था, जिसमें पुलिस ने जितेन नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था, जिसका नेपाल से कनेक्शन जुड़ा होना सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पकड़ाया जितेन से पूछताछ में जुटी है। दरअसल इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बुजुर्ग का मोबाइल छीनकर युवक फरार हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर युवक और उस मोबाइल को खरीदने वाले अन्य दो युवकों को पकड़ा था, जिनकी निशानदेही पर इंदौर के जितेन नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि वह नेपाल भाग गया था, लेकिन जैसे ही इंदौर आया उसे क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ लिया गया। तो वहीं जिस तरह से उसके घर पर से 642 मोबाइल बरामद हुए थे, उससे अब पूछताछ की जा रही है, जिसके लिंक नेपाल के साथ ही अन्य देशों से भी जोड़कर सामने आ रही है। शहर और अन्य राज्यों से लूटे हुए मोबाइल नेपाल के माध्यम से अन्य देशों में सप्लाई किए जाते थे। पूरे घटनाक्रम को लेकर बारीकी से क्राइम ब्रांच और पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। तो वहीं पूरे मामले को लेकर नेपाल पुलिस से भी क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस संपर्क में जुटी हुई है, ताकि लूटे हुए मोबाइल के सिंडिकेट का खुलासा किया जा सके। उसमें जो है चोरी और लूट के करीब 650 मोबाइल बरामद हुए थे घर से। उसमें जो मेन मास्टरमाइंड था जैकी जितेंद्र वासवानी नाम से, वो पहले भी पकड़ा जा चुका था पुराने मामलों में। इस बार जो है उससे बड़े भारी मात्रा में मोबाइल बरामद हुए थे, उसको जो है अभी पकड़ा गया है। ये मेन मास्टरमाइंड है, यही पूरा ये इस तरह का गिरोह जो है चला रहा था, पूरा रैकेट इसी के द्वारा संचालित था। और ये जो है जितने भी मोबाइल हैं वो नेपाल बेच रहा था। अभी प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि 2-4 साल से ये लगभग काम कर रहा है और हजारों की तादाद में मोबाइल जो है ये नेपाल बेच चुका है। इसने थाईलैंड में भी इसने फरारी काटी है, नेपाल में भी इसने फरारी काटी है, और ये थाईलैंड में भी अपना बिजनेस का विस्तार करने का प्रयास था। तो जो है इस संबंध में पूछताछ अभी जारी है, और इसमें जो भी तथ्य हैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ा खुलासा हो सकता है नहीं, इसमें प्रथम दृष्टया तो अभी इसने नेपाल में इसने अपना पूरा रैकेट चलाया है ये, और इसमें जैसा मैंने आपको बताया 2-4 साल से चल रहा था और हजारों की तादाद में मोबाइल इसने वहाँ पर खपाए हैं। नेपाल पुलिस से भी हम लोग संपर्क करेंगे कि वहाँ के जो पूरी नेटवर्क है उसको पकड़ने के लिए, और जो है इसमें यहाँ का जो इनका नेटवर्क है उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल जो है ये आसपास के हैं, नहीं ये इंदौर के भी हैं और महाराष्ट्र के भी हैं, मुंबई के भी हैं। तो जगह जगह के चोरी और लूट के मोबाइल जो है ये मंगवाता था और उसको नेपाल में उसकी तस्करी।